हेलो फ्रेंड्स, अपन लोग द्विघात समीकरण शुरू किए थे और द्विघात समीकरण को हल करने की विधि पढ़ रहे थे। और द्विघात समीकरण को जो हल करने की विधि थी वो तीन प्रकार से थे, और तीन प्रकार में आपको हम पहला बताए थे गुणनखंड विधि, और दूसरा नंबर का बताया था आपको पूर्णवर्ग विधि, और तीसरा बताया द्विघाती सूत्र। तो पहला बता दिए हैं और आज जो बता रहे हैं आपको द्विघात समीकरण को पूर्णवर्ग बनाकर कैसे हल करेंगे, आज इस चीज़ के बारे में सीखेंगे। तो एक द्विघात समीकरण हम ले लिए हैं यहाँ पर, और इसको हल करने से पहले आपको हम यह बता दीजिए पूर्ण वर्ग जो है कौन कौन सी संख्या होते हैं, समझ गए ना? थोड़ा तो यहाँ पर ध्यान समझिए सब आदमी। जैसे हम आपको अगर बोले वन, क्या पूर्ण वर्ग है? तो जी हाँ, यह पूर्ण वर्ग है। उसके बाद आपको बोलेंगे दो, तो यह पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर तीन की बात करें, यह भी पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर हम यहाँ पर चार की बात करें, पूर्ण वर्ग है, मतलब जिसका जिसका हम समझिए ना रूट पूरा पूरा निकल जाए, समझ गए? जैसे एक है तो एक का वर्गमूल वन होता है, अगर यहाँ पर चार देंगे तो चार का वर्गमूल दो हो जाएगा, बात समझ रहे ना? तो चार जो है कौन सी संख्या या पूर्ण वर्ग है, बात समझ गए? उसी प्रकार हम नौ लेंगे तो नौ भी पूर्ण वर्ग है, बात समझ रहे बात? फिर यहाँ पर दस लेंगे, दस पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर सोलह लेंगे तो फिर सोलह पूर्ण वर्ग है, क्लियर है? तब ध्यान। अब यहाँ पर देखिए, हम लिए हैं 2x² - 5x + 3 = 0। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि x² का जो गुणांक है ना, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो क्या दो पूर्ण वर्ग है? नहीं है। तो आप इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे? तो ध्यान दीजिए, पूर्ण वर्ग आप ऐसे बने, या तो सब में दो से गुणा कर दीजिए तो चार हो जाएगा, तो चार पूर्ण वर्ग हो जाएंगे, या तो सब में दो से भाग दे दीजिए तो दो से भाग देंगे दो कट जाएगा, तो यहाँ वन बच जाएंगे x² गुणांक में, तो एक क्या है? पूर्ण वर्ग है। आशा करते बात आप समझ रहे होंगे। तो हम क्या करते हैं, आपको दोनों प्रकार से बना के दिखा देते हैं, भाग देकर भी और गुना करके भी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ देते हैं भाग दे, दोनों और दो से भाग देना, दोनों और दो से भाग देने पर, बात समझ गए? दोनों और क्या कर दिए हम, दो से भाग दे दिए। तो अब दोनों और दो से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या है, देखिए 2x² यहाँ पर दो से भाग देंगे, ये दो से दो कट जाएगा, क्लियर है? फिर यहाँ पर देखिए माइनस है, तो 5x/2 यहाँ देंगे, यहाँ तो नहीं कटेगा, और यहाँ हो जाएंगे +3/2 हो जाएंगे = 0। अब दो में जीरो में दो से भाग देंगे, जीरो हो जाएगा ना, तो यह कट गया। फाइनली अपन के पास यहाँ कितना बच जाएंगे, x² - 5x/2 और बराबर, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3/2, बात समझ गए? अब यहाँ से आगे करने के लिए हम आपको क्या करते हैं, दो सूत्र बताते हैं। तो दोनों सूत्र आप ध्यान से देखिए, एक फॉर्मूला होता है a - b² सबको पता होगा, a² - 2ab + b² एक फॉर्मूला यह हो गया, ठीक है? और एक यह भी याद रखिएगा, a + b² ये होते हैं a² + 2ab + b², ठीक है? तो अपन लोग कभी यह यूज होगा, ठीक है? अब प्लस वाला होगा तो यह भी यूज करेंगे, समझ गए ना? तो आप ध्यान से समझिए, यहाँ जो x² है, ये x² हम क्या करते हैं, x² ही लिख लेते हैं, कोई दर्द? और माइनस है तो यहाँ माइनस देते हैं। आदि के 5x/2 जो है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिए आप लोग, 2 × x × 5/4। आप कह सर ये आप कैसे समझ गए, मतलब यहाँ कैसे इतना हो गया? तो आप ही बताइए ना, यहाँ 5x/2 है और ये दो से काटेंगे चार को, दो दुना चार, तो दो से ये चार कटेगा तो फिर 5x/2 ये तो हो जाएगा, नहीं समझे? ये देखिए, अगर यहाँ पर हम लिखे 2x × 5/4 जो है, दो से काटेंगे इसको तो दो दुना चार नहीं कर जाएगा जी, तो फिर देखिए ना यहाँ पर 5x/2 हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, तो वही चीज यहाँ पर है, क्लियर है? अब देखिए ये करने से फायदा क्या अपन लोग हुआ, अभी अभी हम आपको यह फॉर्मूला बताए जो a², तो यहाँ पर a था तो a² किए, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए x था तो हम x² कर दिए, और सूत्र से देखिए दो लाए हैं ना, तो यहाँ भी दो लाए, और यहाँ पर a था तो यहाँ a दिए, और यहाँ पर एक स्थान देखिए x है तो यहाँ x दिए, और यहाँ b था तो b दिए, और यहाँ पर देखिए b के स्थान पर 5/4 आया है, तो b के स्थान पर 5/4 है, तो हम क्या करते हैं, ये 5/4 का स्क्वायर कर देते हैं, तो दिक्कत? अब देखिए वो फॉर्मूला बैठ गया ना, a² - 2ab +
बी स्क्वायर, क्लियर। अब बराबर दीजिए, माइनस तीन बटा टू है, तीन बटा दो यहाँ देते हैं, लेकिन आप जो यहाँ पाँच बटा चार का होल स्क्वायर दिए हैं तो अभी तो यह गलत है ना, तो पाँच बटा चार का होल स्क्वायर इधर जोड़े हैं तो पाँच बटा चार का होल स्क्वायर इधर भी जोड़ दीजिए। अब क्या दिक्कत है, इससे यह कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके मान पर, समझ गए ना कि पाँच बटा चार इधर भी दिए तो उधर भी दिए, क्लियर। तो अब थोड़ा ध्यान से समझिए, अब इसी चीज को हम ऐसे कर लेते हैं, x माइनस पाँच बटा चार का होल स्क्वायर बराबर माइनस तीन बटा टू प्लस पच्चीस पच्चीस चार चौका सोलह। बात समझ में आया आपकी सर, ये कैसे हो गया? तो अभी अभी आपको हम तुरंत बताए एक फार्मूला के बारे में, ध्यान दीजिए। तभी हम क्या किए थे, a माइनस बी को इस रूप में लिखे थे ना, तो आप ही बताइए ना, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर रहेगा तो इसको हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो वही चीज़ तो यहाँ की है जी, एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू पाँच बटा चार है, अब प्लस पाँच चार का होल स्क्वायर है, तो ये पूरा ए का काम क्या है, बी का काम क्या, तो ए यहाँ पर दिए माइनस यहाँ पर दिया, पूरा बी वाला क्या टर्म दे दिए, क्लियर हुआ? ऐसा करते आप समझ रहे हो। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान दीजिए, x माइनस पाँच बटा चार का होल स्क्वायर बराबर दो है, यहाँ सोलह है, दो सोलह कैल्शियम लीजिएगा तो सोलह आ जाएगा, और दो से काटेंगे तो कितना, दो अठ सोलह आठ, तीन से गुना कर आठ या चौबीस, तो माइनस चौबीस हो जाएगा, प्लस सोलह सोलह काट गया तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, पच्चीस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, x माइनस पाँच बटा चार का होल स्क्वायर बराबर, अब देखिए पच्चीस में चौबीस चल जाएगा तो एक बचेगा, यानी कि एक बटा सोलह। अब यहाँ पर देखिए एक्स माइनस पाँच बटा चार है और ये स्क्वायर है, इधर हटाएंगे तो स्क्वायर से हट के इधर रूट में आ जाएगा, मतलब एक बटा सोलह जो है ये रूट में आ जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए एक्स माइनस पाँच बटा चार, अब देखिए जब भी रूट से निकले तो यहाँ प्लस माइनस लेके चलिएगा, समझ गए ना, तो यहाँ हो जाएंगे आपको एक बटा चार, ऐसा करते बात आप समझ रहे होंगे। तो एक्स माइनस पाँच बटा चार बराबर इधर से हटा के दिए अपना लोग, स्क्वायर हटाए तो रूट आया, रूट से निकला तो प्लस माइनस साथ एक बटा चार आया। अब सर ऐसा क्यों होता है, तो देख लीजिए थोड़ा, ये भी आपको बता दें, एक बात बताइए, अगर यहाँ हम प्लस एक बटा चार का स्क्वायर करें तो ये कितना हो जाएगा, एक बटा सोलह ही तो होगा फिर, और मान के चल अगर यहाँ माइनस एक बटा चार का हम स्क्वायर करें तो फिर भी तो यह एक बटा सोलह ही होता है, तो क्या फर्क पड़ा, प्लस लेके स्क्वायर की माइनस लेके बात वही गया, इसीलिए हम क्या करते हैं रूट से जब भी निकालते हैं तो प्लस माइनस के साथ लिखते हैं, ऐसा करते बात आप समझ रहे होंगे। तो आप यहाँ से देखिए दो रास्ता अपन लोग को निकल गया, ठीक है, एक बार प्लस लेके सॉल्व करते एक बार माइनस लेके करेंगे। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स माइनस पाँच बटा चार बराबर माइनस एक बटा चार, एक बार लेते हैं एक्स माइनस पाँच बटा चार बराबर ले लेते हैं यहाँ पर प्लस एक बटा चार, क्लियर है। तो आप देखिए यहाँ हो जाएंगे एक्स बराबर माइनस एक बटा चार, माइनस में आएंगे इधर प्लस में हो जाएंगे पाँच बटा चार, तो एलसीएम लेंगे तो चार आ जाएगा, चार से चार कर देंगे तो माइनस वन, और यहाँ हो जाएंगे प्लस पाँच, समझ गए ना। तो फिर अपन लोग के पास आ गया एक्स बराबर, यहाँ हो जाएंगे चार बटा चार कट जाएगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएंगे एक, ठीक है। तो एक मूल अपन लोग कितना निकला, एक्स का मान एक निकला, क्लियर। इसको भी सॉल्व कीजिए, यहाँ हो जाएंगे एक्स बराबर यहाँ एक बटा चार है, उधर चलेंगे तो हो जाएगा प्लस पाँच बटा चार, तो एक्स बराबर फाइनली अपन लोग चार चार के एलसीएम लेंगे तो चार आ जाएगा, चार चार कट जाएगा तो एक प्लस यहाँ पर पाँच हो जाएंगे, तो एक्स बराबर देखिए पाँच एक कितना हो गया छः बटा चार काट दीजिए, तो फाइनली अपन लोग के पास आ गया एक्स बराबर तीन बटा दो, तीन बटा दो। तो आशा करते आप बात इसी को समझ गए होंगे, दो मूल अपन लोग के पास निकल गया। अब इसी सवाल को हम दूसरा विधि से भी बना सकते हैं, तो अभी हम आपको दोनों तरफ भाग करके बताएं, अब हम गुना करके भी आपको बताते हैं, ध्यान से समझिए। तो ध्यान दीजिए, इसी सवाल को हम क्या करते हैं, अब की बार गुना करके आपको बना के दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक जो दो है, दो तो अभी पूर्ण वर्ग नहीं है, हम क्या करते हैं सब दोनों तरफ दो से गुना कर देते, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं दोनों ओर
दोनों ओर दो से गुना करने पर, गुना करने पर, तो गुना करेंगे दो से तो कितना हो जाएगा, यह 4x स्क्वायर, यह हो जाएगा 10x और यह हो जाएगा 6 बराबर 0। क्लियर। अब देखिए ये जो 4x स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, 2x × 10/4 प्लस 10/4 का होल स्क्वायर, ये 6 है उधर भेजेंगे तो -6 हो जाएगा, और प्लस 10/4 का होल स्क्वायर इधर जोड़े हैं तो इधर भी क्या करेंगे 10/4 का होल स्क्वायर इधर भी जोड़ दें। आशा करते बात आप समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिए, मतलब इसी चीज को हम इतना लिखे हैं कैसे, देखिए 4x स्क्वायर था उसको 2x स्क्वायर करेंगे, 2 दुना 4 फिर x² हो जाएगा, देखिए माइनस 2 दुना 4 हो जाएगा ना, तो 4 से 4 काट देंगे तो फिर x को 10 से गुना करेंगे फिर 10x नहीं हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे। तो इसीलिए इसको क्या किए, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र बैठा दिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab, अब प्लस बी वाला टर्म था बी का स्क्वायर इधर किए और बी का स्क्वायर इधर दिए तो उधर भी जोड़ दिए। आशा करते बात आप समझ गए होंगे। तो अब इसी चीज को हम लिख लेते हैं 2x − 10/4 का होल स्क्वायर, अब बराबर यहाँ क्या है -6, अब प्लस 10 दिन यहाँ 100 हो जाएगा और 4 चौक यहाँ 16 हो जाएगा। आशा करते बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ देखिए एलसीएम लीजिए कितना आ जाएगा इसका 16 आ जाएगा। अब 1 से 16 में भगा देंगे तो 16 मतलब कटेगा, 16 को 6 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 16 × 6 = 96, अब प्लस हो जाएगा 100, तो यहाँ हो जाएगा 2x − 10/4 का होल स्क्वायर बराबर 100 में से 96 जाएगा तो 4/16 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको काट लीजिए, तो यहाँ अपन के पास हो जाएगा 2x − 10/4 का होल स्क्वायर और यह हो जाएगा 1/4, समझ गए ना। अब स्क्वायर इधर हटाएंगे इधर रूट आ जाएगा तो 2x − 10/4 और यह हो जाएगा √√1/4। तो अब अपन लोग के पास इसका फाइनली लिख लेते हैं, प्लस माइनस 1 का वर्गमूल तो 1 ही होगा और 2 का वर्गमूल 4 का क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है। तो अब यहाँ से क्या करते अपन लोग दो रास्ता निकाल लेते हैं, ठीक है, एक बार प्लस में कर लेते एक बार माइनस, 2x − 10/4 बराबर क्या लिख लेते हैं पालो 1/2। अब की बार लिख लेते हैं 2x − 10/4 बराबर −1/2। क्लियर है। अब देख लेते हैं यहाँ हो जाएंगे 2x = 1/2, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 10/4, तो 2x = 2 4 कैल्शियम लेंगे तो 4 आ जाएगा, काट दीजिए या 2 दुना 4 तो यहाँ हो जाएंगे 2 और यहाँ जो 4 से कट जाएगी तो हो जाएगी 10, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x = 10 × 2 = 12/4। ठीक है, तो 4 × 12 हो गया, तो फाइनली यहाँ मान लो के पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 2x = 3, इसीलिए x = 3/2, x = क्या आ गया 3/2। तभी भी देखिएगा एक्स का मान 3/2 ही आया होगा। ठीक है, अब फिर देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हो जाएंगे अपन लोग के पास 2x = −1/2, यह हो जाएंगे प्लस 10/4, तो 2x = फिर यहाँ पर 4 LCM ले लेंगे अपन लोग, तो 2 दुना 4 तो यहाँ हो जाएंगे −2 और प्लस में यहाँ हो जाएंगे 10, तो 2x = 10 में से 2 चले जाएंगे तो यहाँ हो जाएंगे 8/4,
चार दूनी आठ, यानी कि टू एक्स बराबर हो जाएगा टू, और टू से टू कट जाएगा तो एक्स बराबर कितना आ गया वन। आशा करते हैं बात आप समझ गए होंगे। तो हम आपको गुना करके भी समझा दिए और भगा करके भी। तो आज इस वीडियो को भी स्टॉप करते हैं, इसे नेक्स्ट लेसन में आपको आगे देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।